हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हम कर रहे थे जनवरी 2021, जिसमें हम अपने 150 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और आज हम अपने आगे के क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। और आज हमारा ये जनवरी 2021 की जितनी भी न्यूज़ है, जितना भी स्टैटिक पोर्शन है, सारे एमसीक्यूज हमारे आज कवर अप हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर 150 फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, गटका इज अ स्टाइल ऑफ फाइटिंग विद वुडन स्टिक्स दैट ओरिजिनेटेड इन पंजाब इन द 15th century। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है, कलारीपयट्टू इज अ मार्शल आर्ट विच ओरिजिनेटेड एज अ स्टाइल इन कर्नाटक ड्यूरिंग 3rd century BC टू 2nd century। तो इस क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, मतलब कि गलत कथन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो कलारीपयट्टू है, ये मार्शल आर्ट तो है, लेकिन ये कर्नाटक का नहीं बल्कि केरल का है। तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 152। ये क्वेश्चन है हमारा एस्ट्रोसैट से रिलेटेड। एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप विच हैज़ 5 टेलीस्कोप्स सीइंग थ्रू डिफरेंट विजिबल डिफरेंट वेवलेंथ्स साइमल्टेनियसली विजिबल नियर यूवी, फार यूवी, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे। एस्ट्रोसैट वॉज लॉन्च ऑन 28 सितंबर 2015 बाई इसरो इन अ नियर अर्थ और इक्वेटोरियल ऑर्बिट। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज कवच से रिलेटेड। एक्सरसाइज कवच क्या है? अ लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्सरसाइज कवच इन्वॉल्विंग असेट्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। मतलब सारी की सारी हमारी एक्सरसाइजेज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, सारी फोर्सेज हैं। द ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज एम्स टू फाइंड ट्यून जॉइंट वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज एंड SOPs टूवर्ड्स एनहांसिंग ऑपरेशनल साइनर्जी। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 154। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? सिग्नल एक ऐप से रिगार्डिंग पूछा गया है। तो सिग्नल इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज्ड एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस डेवलप्ड ओनली बाय द सिग्नल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। सिग्नल यूजेस स्टैंडर्ड सेलुलर टेलीफोन नंबर्स एज आइडेंटिफायर्स एंड सिक्योर्स ऑल कम्युनिकेशन टू अदर सिग्नल यूजर्स विद एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो यहाँ पर हमसे करेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछा गया है, तो हमारी यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ सिग्नल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के द्वारा ही नहीं, एक और सिग्नल की ऐप है मैसेजिंग, जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो इसलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 155। क्वेश्चन 155 हमें दिया हुआ है पावर से रिलेटेड। आर्टिकल 161 गिव्स द गवर्नर द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइज, रिस्पाइट्स और रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, आर्टिकल 161 गवर्नर को ये पावर देता है। द स्कोप ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेजिडेंट अंडर आर्टिकल 161 इज वाइडर दैन द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 72। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि पार्डनिंग पावर तो दोनों के पास होती है, अब गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास, लेकिन उनमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन जिसमें कि प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा होती है, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल्स गिवन हैं वो इंटरचेंज कर दिए हैं। गवर्नर का आर्टिकल 161 है और प्रेसिडेंट का आर्टिकल 72 है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ओनली 1। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 156। ये है लियांग तेजोंग गंगे केव से रिलेटेड। द सुलावेसी वॉल्टी पिग पेंटिंग वॉज फाउंड इन द लाइमस्टोन केव ऑफ लियांग तेजोंग गंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है लियांग तेजोंग गंगे केव इज लोकेटेड इन श्रीलंका। नो, इट इज़ लोकेटेड इन इंडोनेशिया। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ओनली 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पाइसेस बोर्ड से रिलेटेड. स्पाइसेस बोर्ड इज अ बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ द 52 शेड्यूल्ड प्राइजेस स्पाइसेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज कार्डेमम. तो इसमें हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पीकर से रिलेटेड. असेंबली का स्पीकर विधानसभा का अध्यक्ष. द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स. बिल्कुल करेक्ट है. द स्पीकर ऑफ असेंबली रिजाइन्स बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और क्योंकि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब से रिलेटेड. द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया विल एस्टैब्लिश अ क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद अमेज़न वेब सर्विसेज. तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. द लैब इज वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब ऑन AWS टू सपोर्ट अ नेशनल गवर्नमेंट्स मिशन टू ड्राइव इनोवेशन. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड. CAQM. It will supersede bodies such as central and state pollution control boards. Yes, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. इसको ये पावर दी गई थी बट थोड़े ही टाइम बाद इसको दोबारा से फिर इस कमीशन को रद्द भी कर दिया गया. द कमीशन विल बी अ स्टैचूटरी अथॉरिटी. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है कि ये स्टैचूटरी अथॉरिटी है. पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाई गई थी तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी कोरोना से रिलेटेड. कोरोना क्या है? ये वो डिजीज़ COVID-19 वाला कोरोना नहीं है, ये सन का कोरोना है. द कोरोना इज हॉटर दैन द सर्फेस ऑफ द सन. हाँ, ये सन के बाहर के एरिया पे हमें देखने को मिलता है और ये सन के क्षेत्र से जो सन का ऊपरी एरिया है उससे भी ज़्यादा गर्म होता है. द कोरोना गिव्स राइज टू द सोलर विंड अ कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट परमिएट्स द सोलर सिस्टम. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है बट क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ वन एंड टू. अब अगला क्वेश्चन है हमारा आर्कटिक सर्कल से रिगार्डिंग. इट इज़ अ ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच एड्रेस इश्यूज फेस्ड बाय द आर्कटिक गवर्नमेंट एंड पीपल लिविंग इन द आर्कटिक रीजन. बिल्कुल करेक्ट है. इंडिया रिसीव द ऑब्जर्वर कंट्री स्टेटस इन द आर्कटिक काउंसिल इन 2013. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 163. ये है हमारी इकोनॉमी की शेप से रिगार्डिंग. तो सबसे पहले वी शेप्ड रिकवरी. इसमें क्या होता है? द इकोनॉमी क्विकली रिकूप्स लॉस ग्राउंड एंड गिव्स बैक टू द नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड लाइन. बिल्कुल सही है. सी से पहले वी है ना, वी में क्या हो रहा है? पहले लाइन नीचे आ रही है, इकोनॉमी डाउन आ रही है, फिर एकदम इकोनॉमी क्या हो रही है? ऊपर की तरफ जा रही है. तो बिल्कुल करेक्ट है ये. इन जे शेप्ड रिकवरी द इकोनॉमी क्विकली राइजेज लाइक अ फियोनिक्स आफ्टर अ क्रैश. नो, जे शेप्ड में क्या हो रहा है कि इकोनॉमी नीचे तो आ रही है लेकिन बिल्कुल हल्की सी ऊपर गई है, उसके बाद वो रुक गई है. तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉ कमीशन की रिगार्डिंग. लॉ कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन 1834 बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. तो इसमें हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है तो हमारी यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन बी ओनली टू. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों है? क्योंकि ये लॉ कमीशन किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के द्वारा. तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती. स्टैट्यूटरी वो होती है जो कि पार्लियामेंट से पास हुई है, पार्लियामेंट से पास होकर एक्ट बनी है, वो स्टैट्यूटरी होती है. लेकिन ये ऑर्डर से बनी है तो ये क्या है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड. अ ग्रीन बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट डिजाइन स्पेसिफिकली टू सपोर्ट स्पेसिफिक क्लाइमेट रिलेटेड और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स. द वर्ल्ड बैंक इशूड द फर्स्ट ऑफिशियल ग्रीन बॉन्ड इन 2009. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भीमा कोरेगांव बैटल से रिलेटेड. अ बैटल वॉज फॉट इन भीमा कोरेगांव बिटवीन द पेशवा फोर्सेज एंड द ब्रिटिश विच कंप्राइज मेनली ऑफ दलित सोल्जर्स. The battle has come to be seen as a symbol of Dalit pride because a large number of soldiers in the company force were the Mahar Dalits. तो इस स्टेटमेंट में, ये क्वेश्चन में हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है बट हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपदा प्रबंधन पुरस्कार से रिलेटेड। आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये अनाउंस किया जाता है कब? ऑन 23 जनवरी एवरी ईयर। 23 जनवरी को क्या है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। द अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइस ऑफ ₹50 लाख एंड अ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड ₹5 लाख एंड अ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, बिल्कुल एक माइन्यूट सी गलती है। वो क्या है कि इंडिविजुअल्स के लिए तो कैश प्राइस क्या है 5 लाख ही है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के लिए कैश प्राइस 50 लाख नहीं बल्कि 51 लाख है। तो हमारी यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोडोज से रिलेटेड। बोडोज आर द सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन असम, मेकिंग अप ओवर 15-20% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन। द 4 districts इन असम, कोकराझार, बक्सा, उदलगिरी एंड चिरांग, दैट कॉन्स्टिट्यूट दी बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट आर होम टू सेवरल एथनिक ग्रुप्स। तो हमारी यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें और भी ट्राइबल कम्युनिटीज देखने को मिलती है असम में। तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पोनेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड रिलेटेड इश्यूज ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ओवर अ लाइफ साइकिल कॉन्टिनम। तो इस क्वेश्चन में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, और हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुंदरबन से रिलेटेड। द इंडियन सुंदरबंस इज पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस 2020 सुंदरबंस इज द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यू एंट स्पीशीज से रिलेटेड। नई चींटी की प्रजातियाँ, डेकामेरा डिस्कवर्ड फ्रॉम अलगर कोयल इन मदुरई इन तमिलनाडु, उकेरेया जोशी फाउंड इन दी पेरियार टाइगर रिजर्व ऑफ केरल। तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 172। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एवरी ईयर ऑन January 24। हरियाणा हैज अनाउंस्ड January 2021 टू बी द मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो इस क्वेश्चन में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि जनवरी 2021 को मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड हरियाणा ने नहीं बल्कि पंजाब ने डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल वोटर डे से रिलेटेड। इट मार्क्स द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है। थीम फॉर दिस ईयर्स नेशनल वोटर्स डे इज मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड एंड इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ पे अब बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देंगे, इसको सही मार्क कर देंगे, बट सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि थीम कुछ ऐसी सी ही है, लेकिन इसमें से कुछ मिस कर दिया, ये थीम कंप्लीटेड नहीं है, राइट। ये थीम में कुछ और चीज़ें भी एड ऑन होनी थी, क्योंकि इसकी थीम क्या है प्रॉपर, इसकी फुल थीम है मेकिंग आवर वाटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इसीलिए ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेट रीसेट से रिलेटेड। ग्रेट रीसेट क्या है? इट इज़ प्रपोज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इट इज़ बेस्ड ऑन दी असेसमेंट दैट दी वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन डीप ट्रबल। तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारी यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट इसलिए है, क्योंकि ग्रेट रीसेट वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेस एक्स से रिलेटेड। स्पेस एक्स ब्रोक
वर्ल्ड स्पेस रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 134 सैटेलाइट्स इन क्विक सक्सेशन बीटिंग इंडियाज रिकॉर्ड। बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक है इसमें, 134 नहीं बल्कि 143 सैटेलाइट्स को रिकॉर्ड लॉन्च किया गया है। द लॉन्च व्हीकल फॉर द स्पेस एक्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लाइट वॉज द फैल्कन 9। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम्फेक्स 21 से रिलेटेड। अ लार्ज स्केल ट्राई सर्विस जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज एम्फेक्स 21 वॉज कंडक्टेड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बिल्कुल करेक्ट है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की गई थी अंडमान निकोबार में। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया, US एंड ऑस्ट्रेलिया। नो, ये ट्राई सर्विस है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कौन सी है जिसमें हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों वहाँ पे मिलके एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस से रिलेटेड। द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेज विल हेल्प कट डाउन टेल पाइप एमिशंस एज वेल एज प्रोवाइड कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल करेक्ट है। NTPC विद्युत व्यापार निगम इज डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग कंप्लीट रेंज ऑफ जीरो एमिशन मोबिलिटी सॉल्यूशंस फॉर वेरियस व्हीकल सेगमेंट्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोविंद बल्लभ पंत से रिलेटेड। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिपेंडेंट इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे इन 1957। पंत वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द पद्म भूषण। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको मिला है, लेकिन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण नहीं बल्कि भारत रत्न है। तो इसीलिए हमारी सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाला लाजपत राय जी से रिलेटेड। इन 1885 राय एस्टैब्लिश द दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर। बिल्कुल करेक्ट है, स्कूल उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स स्पेशल सेशन इन कोलकाता इन 1920। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, 1920 में इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। तो हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 और 2। नेक्स्ट है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। इट इज़ अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। बिल्कुल सही है, सुकन्या से ही समझ में आ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन से के पार्ट के रूप में है। द अकाउंट विल रिमेन ऑपरेटिव फॉर 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ओपनिंग। करेक्ट है, और टिल द मैरिज ऑफ द गर्ल आफ्टर शी टर्न्स 20। तो ये गलत है, ये कब होगा, एज ऑफ मैरिज आफ्टर शी टर्न्स 18, क्योंकि 18 है अभी तक हमारी एज ऑफ मैरिज। अभी क्या किया जा रहा है, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है 18 से 21, बट इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है, एज 18 ही है। तुम्हारे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ओनली 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीन टैक्स से रिलेटेड। Revenue collected from the green tax will be used for tackling pollution and for states to set up state of art facilities for emission monitoring. बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओल्डर देन 10 ईयर्स कुड बी चार्ज ग्रीन टैक्स एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट एट द रेट ऑफ 10-25% ऑफ रोड टैक्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो 8 ईयर्स से ज़्यादा के होंगे, 8 ईयर्स ज़्यादा पुराने होंगे, उन पे ये टैक्स लगाया जाएगा, ना कि 10 ईयर्स। तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑफ बजट बोरोइंग से रिलेटेड। ऑफ बजट बोरोइंग्स आर लोन्स दैट आर टेकन नॉट बाय द सेंटर डायरेक्टली बट बाय अनदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन विच बोरोज ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंटर पैसा तो सेंटर लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं लेती है, कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पे लेती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द लाइबिलिटी ऑफ द लोन इज नॉट फॉर्मली ऑन द सेंटर बट द लोन इज इंक्लूडेड इन द नेशनल फिस्कल डेफिसिट। नो, सेंटर डायरेक्टली क्यों नहीं लेती है पैसे, ताकि उसके फिस्कल डेफिसिट में वो ना आए, बट सेंटर ही उसको वो पैसे लेती है और लाइबिलिटी भी सेंटर के ऊपर होती है उसको रीपे करने की। तो हमारी इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी मैन्युफैक्चर्ड सैंड से रिलेटेड। एम सैंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हार्ड ग्रेनाइट स्टोन बाय क्रशिंग। इट डज नॉट कंटेन ऑर्गेनिक एंड सॉल्यूबल कंपाउंड्स दैट अफेक्ट द सेटिंग टाइम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 और 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंट्रानेजल वैक्सीन से रिलेटेड. अब वैक्सीन्स क्या होती है? दीज आर मोस्ट कॉमनली एडमिनिस्टर्ड एज इंजेक्टेबल शॉट्स इनटू द मसल्स और द टिश्यू जस्ट बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स. बिल्कुल सही है. इट एलिमिनेट्स नीडल एसोसिएटेड इंजरीज. इट किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे? इंट्रानेजल वैक्सीन. इट एलिमिनेट्स नीडल एसोसिएटेड इंजरीज एंड इन्फेक्शंस एंड इज ईजी टू एडमिनिस्टर एज इट ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस. तो इसमें हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है और हमें करेक्ट ही बताना है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन से रिलेटेड. नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन रेफर्स टू कॉम्पिटिशन बिटवीन कंपनीज दैट फोकसेज ऑन बेनिफिट्स एक्स्ट्रा सर्विसेज गुड वर्क्समैनशिप एंड प्रोडक्ट क्वालिटी. नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन इज ऑफन अडॉप्टेड बाई द कम्पीटिंग प्लेयर्स इन अ सेक्टर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ प्राइस वॉर विच कैन लीड टू अ डैमेजिंग स्पायरल ऑफ प्राइस कट्स. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है. दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है लेकिन हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछी गई है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आकाश एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल से रिलेटेड. आकाश एनजी इज अ न्यू जनरेशन सर्फेस टू एयर मिसाइल मेंट फॉर यूज बाय इंडियन एयरफोर्स. बिल्कुल करेक्ट है. DRDO कंडक्टेड इट्स मेडन लॉन्च फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ द कोस्ट ऑफ अंडमान. तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि ये कहाँ से टेस्ट किया गया है? फ्रॉम द कोस्ट ऑफ उड़ीसा. तो इसीलिए हमसे इनकरेक्ट पूछा गया. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली टू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 187 आयु संवाद से रिलेटेड. इट इज ऑर्गेनाइज बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली एज एनविजन्ड एंड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू लेक्चर सीरीज टू मेक कॉमन पीपल अवेयर अबाउट द थीम आयुर्वेदा फॉर COVID-19 पैंडेमिक. तो ये हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IMF से रिलेटेड. IMF वॉज सेट अप अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू असिस्ट इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वॉर रेवेस्ट कंट्रीज. बिल्कुल सही है. इंडिया जॉइंट IMF मेंबरशिप ऑन December 27, 1949. नो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? December 27, 1945 को. तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से रिलेटेड. WEO, it has estimated that India's gross domestic product will grow by 11.5 in the financial year 2021-22. So, ye statement hamari bilkul correct hai. For the current fiscal, the IMF had forecast a record 10.5% contraction in financial year 2020-21. So, ye statement hamari incorrect hai kyunki contraction 10.5 ka nahi balki 10.3 ka फॉरकास्ट किया है IMF ने. तो इसलिए हमसे इनकरेक्ट पूछा गया. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 190. ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है. बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया. बिल्कुल करेक्ट है. जॉइंट एक्सरसाइजेज ऑफ आर्मी की क्या है? एक्सरसाइज संप्रीति एंड नेवी की कौन सी एक्सरसाइज? मिलान. इट टेक्स प्लेस बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है लेकिन क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 191 मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड. श्री नरेंद्र तोमर हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ कोपरा फॉर 2021 सीजन. नो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अप्रूवल तो दिया है लेकिन अप्रूवल श्री नरेंद्र तोमर जी ने नहीं बल्कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है. द अप्रूवल इज़ बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है बट क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली वन. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021. The summit will have a significant focus on securing new investments to ensure that millions of smallholder farmers can adapt to the stresses of climate on food production. It is hosted by Netherlands. तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है बट हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो ये गाइज हमारी थी जनवरी 2021 के MCQs. पूरे के पूरे मंथ के MCQs हमने कवर कर लिए हैं जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. आई होप आप लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आया होगा. प्लीज़
लाइक ज़रूर कीजिएगा, इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।